ये व्हाट्सएप ऐसे हिसाब से भी लोग वेलकम बैक टू अवर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आज हम लोग कुछ धमाकेदार नहीं करने वाले अपने ओल्ड वाले हाउस पे। पहले चलते अपने ओल्ड वाले हाउस पे, और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं अपने ओल्ड वाले हाउस पे। पिछले टाइम भाई यहाँ पे क्रीपर फूट गया था भाई, इसलिए ये टूट गया, इसे मैं बाद में जोड़ दूँगा। तो ये मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि ये ओल्ड हमारा हाउस है, इसके इस जगह पर एक स्टोर रूम बनाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टोर रूम मैंने कुछ सोच रखा है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्टोर रूम बनाना। पहले से भाई थोड़ा खोद रखा है नीचे तक, देख रहे हैं एमएल जी किया जाए भाई इतनी ऊंचाई से। ये ऑलमोस्ट डन हो ही चुका है भाई, सिर्फ दो चार ब्लॉक भाई और ये पूरा खत्म। और सिर्फ मुझे चेस्ट ला के पूरा इसे सिर्फ सजाना होगा भाई बढ़िया से। भाई लोग ऑलमोस्ट पूरा रूम बन ही चुका है। अरे भाई यहाँ आयरन है। वाह भाई आयरन मिल गया भाई, इतने कम जगह चार पांच ब्लॉक नीचे ही भाई आयरन मिल गया। बिल्ड करते समय भाई ये आयरन ब्लॉक मुझे दिखाई नहीं पड़ा भाई, पर अभी दिख गया भाई, तो ये मेरे हाथ से बचने नहीं वाला है। जस्ट भाई यहाँ पे क्रीपर फूट गया भाई पूरा, भाई क्रीपर ने भाई नाश फूट दिया। पर भाई वो सब छोड़ो भाई, देखो भाई रेन हो रहा भाई, ग्राफिक कितना तगड़ा लग रहा है भाई, डर्ट पे देखो भाई टेक्सचर क्या ही मस्त लग रहा है भाई। मैं भाई इसी आरटीएक्स ग्राफिक्स में भी आगे खेलने वाला हूँ। ठीक है भाई, आप लोगों को कैसा लगा भाई कमेंट में ज़रूर से बताना भाई, ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है भाई। तो चलते हैं हमें सिर्फ, अब मुझे अंदर भाई लोग चेस्ट लगाने के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा वुड की ज़रूरत होगी। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ वुड क्राफ्ट करने के लिए, और मुझे काफ़ी ज़्यादा वुड चाहिए होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेस्ट लगेगा भाई इस जगह पे। फटाफट से मिलते हैं वुड क्राफ्ट करने के बाद। वुड क्राफ्ट करके आ चुका हूँ, अब मुझे काफ़ी ज़्यादा जल्दी से चेस्ट बना के भाई लगाना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा स्टोर रूम किस तरीके से बना है। मुझे लगता है काफ़ी सारे चेस्ट आ जाएंगे, इतने दो स्टैक वुड लाया है भाई, दो स्टैक वुड मैं लाया हूँ। देखता हूँ कितना सारा चेस्ट बनता है भाई, 40-50-60। तो गाइस टोटल 21 टोटल 21 चेस्ट हमारे हो चुके हैं। अब इतने चेस्ट में आई थिंक हो जाएगा भाई बढ़िया से। जल्दी से चलता हूँ मैं सारे चेस्ट। तो गाइस यहाँ हम लोग का स्टोर रूम कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन भाई बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई, पता नहीं कब रुकेगा भाई। जल्दी से चल के आप लोगों को दिखाते हैं। या मैंने स्टेयर लगा दिया नीचे उतरने के लिए, स्टेयर से पहले नीचे उतरते हैं। चलो भाई ये मैं आ चुका हूँ नीचे, देखो भाई। बताओ भाई आप लोग कमेंट में भाई कैसा लग रहा है। मैंने सोचा भाई एक के बाद एक चेस्ट और एक ब्लॉक लगा के लगा दिया जाए भाई, बढ़िया लगेगा देखने में। रूम तो मैंने सिर्फ आधे जगह में बनाया, आधे जगह में और भी कुछ बनाने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए भाई अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है भाई, तो अभी जा के हमें सो जाना चाहिए। जल्दी से आके सो जाते हैं, सुबह मिलते हैं। तो वैसे मॉर्निंग हो चुकी है भाई, लोग चलते हैं हम लोग अपने न्यू वाले हाउस की तरफ। और देखो भाई बारिश अभी जाके रुकी है भाई। भाई मैंने यहाँ स्टेयर्स तो लगा, स्टेयर बोल रहा हूँ भाई, मैं यहाँ भाई यहाँ मैंने रेल भी लगा दिया भाई, पर मैं माइनक्राफ्ट भाई मिल नहीं रहा है, तभी हमें पैदल नहीं जाना पड़ेगा भाई अपने न्यू वाले हाउस तक। देखो भाई क्या ही तगड़े ग्राफिक्स लग रहा है यार। तो वैसे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं, उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माइनक्राफ्ट की धमाकेदार वीडियो के साथ। अब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।